अजू भाई, माशाल्लाह आपने वेस्ट इंडीज़ में 2 सेंचुरीज की हैं, तो कुछ अपने बारे अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। नया बॉल कैसे खेलना होता है, यहाँ की विकेटों के बारे में आप ज़रा कुछ शेयर करें हमारे साथ। नहीं बिल्कुल, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे जब सीरीज़ खेला था मैंने ओपन की, तो आप दोनों माशाल्लाह ओपन करोगे हमारे लिए, और एज ए नंबर 3 मेरे लिए भी ये लर्निंग है। जब हम बात करेंगे तो मेरे लिए भी रिमाइंडर होगा, आप लोगों के लिए भी आई थिंक जो मेरे पास का एक्सपीरियंस यहाँ पे रख लिए हैं तो वो शेयर हो जाएगा और मेरा रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि हम दो एक ही जगह पे मैच खेले जमैका में, जो लास्ट मैच हम वहाँ पे खेले थे वो पिच अच्छा था, कैरी था उसके अंदर और शॉट्स भी लग रहे थे, लेकिन बाकी जो 2 पिचें थी वो बहुत जिसको कहते हैं ना कि स्लोएस्ट साइड पर थी। नए बॉल पर थोड़ा सा बैट पर आता था बॉल, उसके बाद जैसे पुराना होता था बॉल, एक तो ये यहाँ पर ड्यूक का बॉल लगता है, स्विंग ज़रूर होता रहता है लेकिन फिर ऐसा ऐसा वो सॉफ्ट हो जाता है, और आउटफील्ड जो है ना वो भी समटाइम हैवी होती है, समटाइम बारिश पड़ती रहती है यहाँ पे तो समटाइम हैवी आउटफील्ड होती है। आपके शॉट्स जो हैं गैप से जब जाते हैं तो वो ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं, तो आपको जैसे 4 के 2 रन मिलते हैं, समटाइम 2 का 1 मिलता है, तो वो आपके लिए समटाइम ना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, यू नो फ्रस्ट्रेशन आती है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जब आपको यू नो एज ए बैट्समैन हम अंदर जाते हैं रन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से मैंने प्लान की अपनी इनिंग यहाँ पर वो यही था कि जैसे ड्यूक का बॉल है, नया स्विंग होता है, सीम होता है, तो पहले तो मेरा ये काम होता था कि मैंने अच्छा स्टार्ट देना टीम को, कोशिश ये करनी है कि अर्ली विकेट्स ना गिरें, और ये है कि जब मेरे जोन में बॉल आए तो उसको पनिश करें, क्योंकि हार्ड जब बॉल होता है तब गेंद ट्रैवल भी कर लेता है और बैट से निकलता भी अच्छा, जैसे जैसे सॉफ्ट होता है फिर बॉल निकलता है वो उस तरीके से नहीं है बैट से, और रन्स उतनी तेज़ी से नहीं होते। होपफुली जमैका में पिच जो है वो अच्छा होगा और उसमें हमें रन्स जो है वो मिलेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा समटाइम ऐसा फेज़ ज़रूर आता है यहाँ पे जब रन्स नहीं मिलते, तो उस टाइम पे जो है ना अपने आप को कोशिश करनी है हम सब ने कि उस टाइम पे अपने आप को जो है ना वो काम रखें, और जब हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आए एज फर्स्ट के स्पिनर पर हमें लगता है रन बना सकते हैं और वहाँ पर हम थोड़ा सा चांस लेना भी पड़े तो वहाँ लें, और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर चांस लेना हमें विकेट्स कॉस कर सकता है तो वहाँ पे हम प्रेशर को अब्सॉर्व करें। तो ये 2-3 यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कहाँ पे हमने अटैक करना है, कहाँ पे हमने अपने आप उस प्रेशर को अब्सॉर्व करना है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट ज़रूर आता है, तो कोशिश यही करनी है कि वो ब्रेक हो ना हम ब्रेक हों। थैंक यू, यू कवर्ड इट ऑल, थैंक यू, थैंक यू, गुड लक। बेटा जगह देखो।